नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं पश्चिमी बाईपास की नहर पर इस समय खड़ा हूँ और एक नील गाय आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि नील गाय का जो बच्चा है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिसे फिलहाल कुछ ही देर पहले लोगों ने देखा और यहाँ पर कुछ लोग भी पहुँचे हुए हैं आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बता दें, जो डायल 112 की टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और बताए जा रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उन्हें फिलहाल जानकारी जो है वो दे दी गई है। और इसके बाद जो है आपको बता दें, ऐसे कई बार जो है लगातार हमने पहले भी ऐसी कवरेज की है जिसमें नील गाय को पहले निकाला गया, लेकिन बता दें ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है क्योंकि जो नील गाय है वो अचानक से भाग जाती है, यानी वो हाथ आना उसका बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में फिलहाल आप देख पा रहे हैं, मैं दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं, दूसरे किनारे पर जो ये नील गाय का जो बच्चा है वो फिलहाल पानी के अंदर, नहर के पानी के अंदर जो है ये अचानक से किसी को दिखा, जिसके बाद जो है फिलहाल पुलिस को बुलाया गया, कुछ लोग भी मौके पर हैं। सर, क्या नाम है और कैसे, कब देखा आपने? सर, मैं काम पे जा रहा था, यहाँ से मैंने इधर देखा तो बच्चा ये काफ़ी देर से गिरा हुआ था इसमें। अच्छा, मैं सोचा मैं रुक गया यहाँ पे, भाई कुछ ना कुछ हेल्प करूँ, कोई मिलेगा तो यही मैंने 100 नंबर पे डायल कर दिया, वहाँ से कोई नंबर ही मिला, फिर मैंने दूसरों को फ़ोन कर दिया, फिर 112 की टीम भी आ गई साथ में यहाँ पे, फायर वाले भी आ गए सर यहाँ पे, ये जी, कोई तो हेल्प करेगा जी, आज काम छोड़ देंगे लेकिन इसको निकलवा के ही जाएंगे यहाँ से। अच्छा, आप भी पास से ही हैं? हाँ सर, मेरा गांव टपराना है जी, पास में टपराना है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप भी इसलिए खड़े हैं कि इसे निकाल, हाँ इसके निकलवा के ही जाएंगे सर यहाँ से। जी जी, और बता दें जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर आई हुई है। भाई साहब, आपको भी जानकारी मिली थी, आपको कितनी देर पहले पहुँचे आप यहाँ पर? 10 से 15 मिनट हो गए सर, हमने सेक्टर 4 दमकल केंद्र में सूचना दी है टीमें आने वाली है, और उस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से टीमें रिया करेगी और इसको घेरा बनाकर बाहर निकाला जाएगा। तो बता रहे हैं टीम जो वाइल्ड लाइफ की है उनको भी जी जी सूचना दे दी गई है। जी, दे दी गई है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर है और काफ़ी सारे लोग भी आप देख सकते हैं जो मौके पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं आसपास के गाँव के। और दूसरी तरफ जो टीम है डायल 112 की वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जिन्होंने पूरी की पूरी जो जानकारी है वो फिलहाल हमें बताई कि इस तरीके से यहाँ पर एक नील गाय जो है फिलहाल फंसी हुई है और उसे फिलहाल जो है अभी निकाला जाना है। 112 की जो टीम है वो भी पहुँची हुई है। सर, क्या जानकारी मिली थी मौके पर आए सर? हाँ, 112 फ़ोन करा था किसान आदमी ने, फिर मौके पर आए हैं या नील गाय गिरी हुई है, अपने अफसर से बता दिया, एनिमल टीम आ रही है। अच्छा, एनिमल जो है विभाग? हाँ, एनिमल टीम को बोल दिया, वो आ रहे हैं। जी जी जी, तो फिलहाल जो है इसे निकाला जाना। जी 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 सर, इसके जान बच जाए ठीक है, हमने कहा हाँ, निकलवा रहे, छोटा बच्चा है। हाँ, कुछ निकलवा रहे हैं बाहर। जी जी जी, तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर है आप देख पा रहे हैं, और साथ में क्योंकि बच्चा है और ऐसे में आगे कुछ ही देर आगे आपको बता दें यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे ही वो पॉइंट आता है, अगर वो उस पॉइंट तक ये बच्चा पहुँच गया तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इस तरीके से तो यहाँ पर फिलहाल, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो नील गाय का जो बच्चा है वो देख लीजिए तस्वीरों में सामने जो है चुपचाप बैठा हुआ है किनारे लगकर, और आपको बता दें जो पानी का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो आगे की तरफ झाल की तरफ जा रहा है, और झाल में अगर ये बच्चा पहुंच गया तो फिर इसकी जान को खतरा है, और ऐसे में फ़िलहाल इसे जल्दी ही जो है टीमें बुलाकर जो है वाइल्ड विभाग की वो निकालेंगी। फिलहाल ये ज़रूर है कि लोग जो हैं वो अब लगातार इस पॉइंट पर जो हैं पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि इसे निकाला जाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से ये फंस चुका है, और थोड़ी ही दूरी पर जो झाल है, थोड़ी ही दूरी पर जो एक बड़ा झाल है, और उस झाल में अगर वो बच्चा चला गया तो फिर ऐसे में समझ लीजिए कि इस बच्चे की जान को साफ तौर पर खतरा है, उस झाल में कोई बच नहीं पाता है। आगे तो सर झाल भी है ना, झाल के पास से बच के आया, ये इसको वहाँ से लाए इधर खींच के, इसको खींच रहे से झाल में जाने से पहले इसको बचा लिया, वहाँ से उसको खींच के लाए, इसकी जान जा सकती, जान जा सकती थी, बच गया ये, परमात्मा की दया से आ गया इधर ये। जी जी जी, वहाँ से क्या खींच कर ले, रस्से से खींच? अब सर कर रहे हैं कोशिश, रस्सा नहीं, उसको भगाया वहाँ से, मारा कुछ ना कुछ हल्का, ले वहाँ से लिया इधर खींच के, इसको आ गया इधर, अगर पब्लिक हो गई है इकट्ठी बच जाएगा, अब है उम्मीद। जी जी जी, तो यहाँ पर फिलहाल जो पब्लिक है वो देख लीजिए काफ़ी सारी पहुँच चुकी है फिलहाल मौके पे, ये लेबर भी कुछ मौके पर आई हुई है, ये लेबर जा रही थी, इन्होंने भी देखा इसको, ये भी हेल्प के लिए रुक गए हैं, हेल्प के लिए रुक गए हैं, तो ये लोग भी बता दें मदद के लिए रुके हैं जाते हुए। कहाँ जा रहे थे भैया? दूसरी फैक्ट्री में करेट लोड करने के लिए जा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो सभी आप रुक गए यहाँ पे? जी, बचाने के लिए रुके हैं उसे? हाँ जी।
बचाने के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये ज़रूर है कि लोग भी आप देख लीजिए, लेबर के काफ़ी सारे लोग जो है मदद करने के लिए रुके हैं कि इस बच्चे को हम बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं इंसानियत है बड़ी, काम से आगे जा रहे थे लेकिन खुद जो है एक ट्रक इन्होंने अपना रोका। ये देख लीजिए, ये ट्रिस ट्रक के अंदर ये सारी लेबर थी और ये सभी फिलहाल उसे बचाने के लिए खुद रुक गए हैं। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल जो वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं वो मौके पर जो हैं पहुँचने ही वाली हैं और फिलहाल इसे बचा लिया जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये बहुत तेज़ होता है, ये जो नीलगाय का जो बच्चा है, नीलगाय जो ये प्रजाति है बड़ी तेज़ होती है और इतनी हाथ नहीं आती, और अगर बड़ी नीलगाय हो तो वो आगे से हमला भी करती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं फिलहाल मुश्किल तो पेश आती है लेकिन फिलहाल इसे बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।